गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारा प्रोटिस्टा का चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने प्लांट लाइक कंप्लीट किया, एनिमल लाइक अभी हमारा रनिंग है, फंगाई लाइक कंप्लीट कर लिया। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में अमीबा को कंप्लीट किया था। अमीबा के बाद में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, ठीक है। तो एंट अमीबा, पहले हम लोग ये एंट अमीबा जो है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एंट अमीबा जो है वह एक जीनस नेम है, ठीक है। और अलग अलग इसमें बहुत सारे स्पेसीज हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो हम लोगों को देखना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। तो पहले एंट अमीबा हम लोग देखते हैं। एंट अमीबा को सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एंट अमीबा एक जीनस नेम है और इसमें बहुत सारे इंक्लूड स्पेसीज होंगे, जिसमें से तीन स्पेसीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें उस तीन में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह एक डिजीज हमें करता है और वह है अमीबोसिस, या उसको कहते हैं एमीबियोटिक डिसेंट्री। तो ये बहुत ही कॉमन है, खास करके हमारे ये इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, मलेरिया, काला आजार एंड डिसेंट्री या एमीबोसिस डिसेंट्री, ये सब हमारा जो है वह प्रोटिस्ट का इन्फेक्शन होने वाला है, प्रोटिस्टा से होने वाला डिजीज है, जो बहुत ही कॉमन हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ये टॉपिक जो है वो देखेंगे एंट अमीबा के बारे में। एंट अमीबा जो है वो जीनस एंट अमीबा यूजुअली फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो एंट अमीबा जो जीनस है वो जनरली इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में कॉमनली देखने को हमें मिलता है। इसके पास इसको पहचानते कैसे हैं? तो इट हैज वेसिकुलर न्यूक्लियस, और इसी वेसिकुलर न्यूक्लियस को हम लोग एंडोसोम या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इंडो वेसिकुलर न्यूक्लियस और एंडोसोम यानी कि न्यूक्लियोलस जो होगा वह न्यूक्लियोलस क्या है, तो पहले समझ लो कि यह एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में एक स्मॉल पार्टिकल होता है। पार्टिकल कहने का मतलब यह एक नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोलस, तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इस तरह के इसको हम लोग कहते हैं वेसिकुलर न्यूक्लियस। वेसिकुलर न्यूक्लियस इसके तीन कॉमन स्पेसीज हैं, और तीन कॉमन क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है वह ह्यूमन बींग्स को एज ए होस्ट के रूप में यूज करते हैं। अब होस्ट क्या है हम आपको बताते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है होस्ट और दूसरा होता है गेस्ट। तो यहां पर देखिए, इट हैज थ्री कॉमन स्पेसीज टू होस्ट ह्यूमन। वो तीनों स्पेसीज कौन कौन से हैं, तो पहले है एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा है
एंटामीबा कोलाई और तीसरा है एन अमीबा जिंजिवैलिस। ये तीन कॉमन स्पेसीज हैं और ये तीन कॉमन स्पेसीज में सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोगों को जानना है वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। हमने कहा कि ये तीन स्पेसीज ही क्यों, क्योंकि ये तीनों स्पेसीज जो है वो ह्यूमन बींग्स में एज ए होस्ट के रूप में यूज करते हैं ह्यूमन्स को। अब दो टर्म आया यहाँ पर, एक चीज समझिए, होस्ट यानी ह्यूमन जो है ये होस्ट होगा, तो होस्ट का मतलब होता है जो मेजबानी करता है और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। यानी ये दो टर्म, एक हो गया गेस्ट और दूसरा हो गया होस्ट। तो जैसे हम यहां पर लिखे ह्यूमन एज ए होस्ट के रूप में यूज होता है। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं या मैं आपके घर पे आया तो मैं क्या हुआ, गेस्ट। और जब मैं आपके घर पे आऊंगा तो आप मुझे क्या करोगे, चाय दोगे, पानी दोगे, ठंडा गर्म कुछ पूछोगे, नहीं पूछे तो भी काम चलेगा, ठीक है। बट आप क्या करोगे, कुछ एज ए कोई भी आपके यहाँ एज ए गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं, उसको रेस्पेक्ट के रूप में चाय पूछते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है, हमारे यहाँ रिश्ते चाय से बनती है। तो उस तरह से आप सोचो कि ये गेस्ट और होस्ट, तो मैं आपके यहाँ गया तो मैं गेस्ट हुआ और आप होस्ट हुए। ये जो कोई भी पैथोजेन या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी फंगाई या कोई भी प्रोटिस्टा जब किसी सेल के अंदर जाता है तो वो सेल क्या होता है, वो बॉडी क्या हुआ, होस्ट हुआ, और वो क्या हुआ, गेस्ट। तो यहां पर एंटामीबा क्या हो गया, गेस्ट, और ह्यूमन के अंदर जाता है तो वो क्या हो गया, ह्यूमन होस्ट हो गया। तो ये तीनों स्पेसीज जो वो ह्यूमन बींग्स को बहुत अच्छे से एक होस्ट के रूप में यूज करते हैं और इसीलिए ये तीनों सबसे जो है वो कॉमन है। अब इसमें जो एंटामीबा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, पूरा स्पेसीज का नाम हुआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका डिस्कवर्ड, एंटामीबा हिस्टोलिटिका डिस्कवर्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका डिस्कवर्ड बाय लैम्बेल। इसको लैम्बेल ने डिस्कवर किया था। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वह एक पैथोजेन है, पैथोजेन रिलेशन, यानी ये पैथोजेन के रूप में यानी पैथोजेन की तरह काम करता है। पैथोजेन का मतलब हुआ जब किसी बॉडी के अंदर जाकर के और उस बॉडी को नुकसान पहुंचाने का जो काम करता है तो उसको कहते हैं हम लोग पैथोजेन। तो यह एक पैथोजेन के रूप में काम करता है और ये रिलेशन जो है वो दिए थे फ्रेडरिक लॉस, लॉस ने। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वह कहां होता है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैथोजेनिक रिलेशन देता है। तो यहां इसको साइलेंटली हम लोग ई मतलब यहां पर हुआ एंटामीबा, तो उससे आप ध्यान में रखेंगे। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजेनिक पैरासाइट अकरिंग इन कोलोन ऑफ ह्यूमन, कोलोन का मतलब हुआ हमारा इंटेस्टाइन, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का
और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो दोनों पूरा का पूरा यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है। यहाँ से हमारा पहले सबसे पहले एसोफेगस, एसोफेगस से हमारा स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो उसी कोलोन में, यानी ये किसका पार्ट है, कोलोन का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में यह मेन रूप से प्रेजेंट रहता है और यह एक पैथोजेन है। पैथोजेन का मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, ये टर्म हुआ पैथोजेन। और पैरासाइट का मतलब, पैरासाइट का मतलब हुआ कि जो किसी दूसरे बॉडी से उसका बना बनाया न्यूट्रिशन लेकर के खुद यूज करेगा। हम एज ए गेस्ट आपके यहाँ आए तो हम आपका बना बनाया खाना खाएंगे, न कि हम बना के खाएंगे। तो हम एक गेस्ट के रूप में आपके यहाँ आए और आपसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपका खाना खा रहे हैं, आपका पानी पी रहे हैं, आपका जितने भी साधन है वो हम यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में रहता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में जाकर के हमारे कोलोन से न्यूट्रिशन को लेकर के अपना सर्वाइवल बनाता है और हमें नुकसान करता है। नुकसान के रूप में ये क्या करता है, तो नुकसान के रूप में यह हमें एक डिजीज देता है, बॉडी डेट कॉज एमोबोइड डिसेंट्री और इसी को कहते हैं एमीबोसिस, यह डिजीज का नाम है। तो ये डिजीज जिसमें बहुत ज्यादा दस्त वगैरह होने लगता है उसको एमीबोसिस या डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जिसके वजह से जो हमारा दस्त है वो ज्यादा होगा और ज्यादा के मतलब कि वो रेड कलर भी हो सकता है दस्त में, तो ये सब तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो एमीबोसिस, तो उसी को एमीबायोटिक डिसेंट्री या एमीबोसिस कहते हैं। और यही काम जो है वो कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से होने लगता है। और ये बहुत ही हमारे सोसाइटी में या खास करके इंडियन सोसाइटी में, नॉर्थ में, साउथ में, कहीं पर भी ये बहुत ही कॉमन होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम की चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी यह जानलेवा भी हो जाता है। बहुत ज्यादा हो गया अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद में देखो कि इसका रिजर्व फूड के रूप में ये क्या, तो जैसे हमारा बॉडी में ग्लाइकोजेन होता है उसी तरह इसके बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजेन होगा। तो ये एक तरह से, पूरी तरह से ये एनिमल के जैसा बिहेव फेस करता है, एनिमल के जैसा सारा चीज करेगा। यानी जस्ट लाइक जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन है तो ये भी ग्लाइकोजेन की तरह होता है, ठीक है। जैसे हम यानी यहां पर हम कह रहे हैं कि पैथोजेनिक पैरासाइट है, इसका मतलब कंप्लीटली हेटरोट्रॉफिक होगा, अपना खाना नहीं बना रहा है। जैसे हम अपना खाना नहीं बनाते तो ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये अपना खाना यानी दूसरे के बने बनाए खाना को लेकर के और ये उससे अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वह इसीलिए फेमस है। क्लास 12 में एक चैप्टर है वह है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये फिर से हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा, बट एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आपको कुछ आगे भी इससे थोड़ा सा अवेयर आप रहें, आप इसके बारे में थोड़ा सा समझें, इसीलिए मैंने आपको ये दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके आगे कुछ ऐसे एजेंट हैं जो कॉमन एजेंट है और जो कॉमन डिजीज कॉज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा दो चार का हम लोग ये नाम देख लेंगे, ठीक है। प्लीज वन मिनट। तो कुछ ऐसे एजेंट का हम लोग देखेंगे जो क्या करते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोनास है, ट्राइकोनिम्फा है, जियार्डिया है और लिस्मैनिया डोमोरा है। कालाजार जो है वो इंडिया का बहुत ही कॉमन डिजीज है। आज हम लोग सबसे ज्यादा परेशान कोरोना से, बट इंडिया कालाजार से भी बहुत परेशान है। अभी तक टोटल जब से कालाजार आया तब से जितना अभी कोरोना से लोग नहीं मरे हैं उससे ज्यादा लोग कालाजार से मर चुके हैं। तो कोरोना तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बस कालाजार में और कोरोना में डिफरेंस ये है कि कालाजार जो है वह हाईली कम्युनिकेटेड नहीं है और
ये जो है वह हाईली कम्युनिकेटेड है, यानी हाईली इंफेक्शियस है कि एक पर्सन से तुरंत दूसरे पर्सन में तुरंत कम्युनिकेट कर जाता है कोरोना। लेकिन काला आजार में ऐसा नहीं है, काला आजार का मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वह किसी ना किसी मॉस्किटो यानी फीमेल एनोफिलीज के थ्रू ही होगा, तो वो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को टच करेगा या उसके सामने छींक दिया तो वह पर्सन भी सफर करेगा। लेकिन काला आजार में ये चीज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग कोरोना से ही मरते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिया में ऐसे डिजीज हैं जिससे उससे ज्यादा लोग मरते हैं, बट कोरोना हमारे लिए अभी एक न्यू चैलेंज है, इसीलिए हम सब उससे सफर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे जो एजेंट हैं जिससे अलग अलग जो है वह डिजीज होता है, जैसे ट्रिपैनोसोमोनास नेम ऑफ एजेंट, और इसका न्यूट्रिशन भी आपको हम डाल देते हैं, और तीसरा हम यहां पर डिजीज, तीन चार बस उससे ज्यादा का नहीं है। ट्रिपैनोसोमोनास न्यूट्रिशन जो होगा यह पैरासिटिक होगा, यानी एज ए पैरासाइट के रूप में काम करेगा और यह डिजीज देता है। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, यह वन हो गया। उसके बाद में है लिस्मेनिया, ऐसे पूरा स्पेसिस का नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी, यह भी पैरासिटिक होगा और यह हमें देता है काला आजार। तीसरा है जियार्डिया, जियार्डिया जो है यह भी पैरासिटिक होगा और ये डायरिया करता है। डायरिया का स्पेलिंग लिखने में बहुत बार कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, तो इसीलिए इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा। पहले इंग्लिश वगैरह के एग्जाम में इसका स्पेलिंग से कॉमन एरर करके कुछ ऐसा पूछ देता था कि डायरिया का यह स्पेलिंग क्या होगा, तो DIARRHOEA डायरिया, देखने में बहुत सिंपल है और इसका कुछ एक वर्ड इधर से उधर करके आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में है ट्राइकोमोना, ट्राइको ट्राइकोमोना, ये भी पैरासिटिक होता है और ये वेजिनाइटिस यानी वेजाइनल इंफेक्शन करता है, वेजिनाइटिस इन फीमेल, ठीक है। तो ये जो कुछ है इसको आप अच्छे से थोड़ा सा ये कुछ इम्पोर्टेंट ये सब जो है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने का है, ताकि आपको वन टू थ्री फोर एंड फाइव और एक सिक्स, तो ये लास्ट हो जाएगा आपका। अभी तक जितना भी देखे हैं हम लोग ये सब पैरासिटिक नेचर का है, लेकिन एक लास्ट जो होगा वह ट्राइकोनिम्फा करके है, जो कैसा होगा तो वह ट्राइकोनिम्फा, सॉरी ये इतना है, तो ट्राइकोनिम्फा जो है यह सिम्बायोटिक होता है। और सिम्बायोटिक क्यों, क्योंकि जो बीटल्स होते हैं यानी एक इंसेक्ट है उसके गट में जा करके और सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने का काम करेगा, हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और वो टूटेगा
तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वह ग्लूकोज वह खुद भी खाएगा और उसको भी ब्रेक डाउन करा के देगा तो उसको भी मदद मिलेगा यानी न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसके वजह से यहाँ पर सिम्बायोटिक हमने लिखा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब हमेशा याद रखिए कि जिसमें दोनों को बेनिफिट होना है, ना कि सिर्फ किसी एक को, यानी दोनों को बेनिफिट होना है। प्रेजेंट इन टर्माइट टू ब्रेक सेलुलोज, तो ये कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, तो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ही एक वो जो स्पेसीज है उसके बारे में जानना था, वो हमारा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बाद में हम लोगों को देखना है प्लाज्मोडियम, थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के बारे में देखेंगे। देखिए प्लाज्मोडियम जो है वह सबसे ज्यादा हमें जो है मलेरिया काउज करता है, यानी मलेरिया के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम। तो दिस इज द काउजेटिव एजेंट है किसके लिए, मलेरिया के लिए। तो दिस इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया और इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर चार्ल्स लॉयस ने किया था। तो ये देखिए दिस इज काउजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लॉयस LOIS, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लॉयस। प्लाज्मोडियम जो है वह पूरी तरह से यह भी एक पैरासिटिक के फॉर्म में रहता है और यह भी जो है एक डिजीज काउज करता है जिसका नाम है मलेरिया। तो यहां पर इसलिए हमने लिखा है कि दिस इज काउजेटिव एजेंट, यानी मलेरिया डिजीज के लिए। मलेरिया क्या है, तो यह एक डिजीज है, मलेरिया बुखार बहुत फेमस है इंडिया में, बहुत ज्यादा होता है मलेरिया और काला आजार, ये दोनों जो है वो बहुत ही ज्यादा लोगों का जान लेता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है किसके वजह से, तो मलेरिया यह प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जिसमें बहुत तेज बुखार यानी फीवर वगैरह आता है, बदन में बहुत तेज दर्द होता है, ये सारा चीज जो है वो मलेरिया की वजह से ही होता है। मलेरिया के ये प्लाज्मोडियम के देयर आर 60 स्पेसीज, प्लाज्मोडियम के ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम जीनस नहीं हुआ और इसके लगभग 60 से ज्यादा स्पेसीज हैं। ठीक है, देयर आर 60 स्पेसीज इन विच ओनली 4 काउज मलेरिया। टोटल 60 स्पेसीज से ज्यादा है प्लाज्मोडियम के, लेकिन इसमें से सिर्फ 4 जो हैं, 4 स्पेसीज जो हैं प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया काउज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम ओवेली वाइवेक्स मलेरी, ये 4 ऐसे स्पेसीज हैं, ये चारों जो हैं वह मलेरिया काउज करते हैं, बाकी 60 में से सिर्फ यही 4 जो होंगे वह मलेरिया को काउज करेंगे, बाकी है कोई जो है दूसरा मलेरिया काउज नहीं करेगा, जिसमें से वाइवेक्स जो है
वह मोस्ट कॉमन होता है और ओरेली जो है वह रेयरेस्ट होता है। बाकी ये दोनों तो काउज इंडिया में बहुत ज्यादा करते हैं, फालसी पैरामोर मलेरी, ठीक है। तो ये तीनों एक तरह से कॉमन है, उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन वाइवेक्स है और ये रेयरेस्ट है प्लाज्मोडियम ओवेली, तो ये रेयरेस्ट में से आता है। देखो इसके पास जो होते हैं प्लाज्मोडियम जो हो है वह एंडोपैरासाइट के रूप में काम करता है। इसे एंडोपैरासाइट, ब्लड पैरासाइट या इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये तीनों टर्म का मतलब हम बताते हैं आपको। साथ ही साथ प्लाज्मोडियम इज एंडोपैरासाइट ब्लड पैरासाइट एंडोपैरासाइट ब्लड पैरासाइट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंडोपैरासाइट ब्लड पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब ये हुआ। देखिए एंडो और एक्टो दो पैरासाइट होते हैं। जब हमारे कोई बॉडी के सरफेस पे कोई पैथोजन आके इंफेक्शन करेगा तो वो हो गया एक्टो पैरासाइट, और जब हमारे किसी सेल के अंदर, मान लीजिए ये हमारा बॉडी का सेल है, ठीक, हमारा बॉडी किससे बना है, सेल से बना है, और यहां पर यह कोई पैथोजन है और ये पैथोजन हमारे सेल के अंदर इंटर किया है, सेल के अंदर आ गया और सेल के अंदर आ करके, ठीक है, तो सेल के अंदर जब आएगा तो इस सेल के अंदर आके सरवाइव किया, दैट इज द एंडोपैरासाइट। ब्लड पैरासाइट का मतलब कि ये ब्लड के थ्रू और ब्लड में अपना ग्रोथ करता है, दैट इज ब्लड पैरासाइट, यानी ब्लड से न्यूट्रिशन को लेता है, ठीक है, तो ब्लड पैरासाइट। और इंट्रासेलुलर पैरासाइट एक सेल से दूसरे सेल में जाकर के यह काम इंफेक्शन को बढ़ाएगा, दैट इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये तीनों तरह से इसको इसीलिए कहते हैं एंडोपैरासाइट, ब्लड पैरासाइट और इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये तीनों तरह के पैरासाइट का काम कैरियर करता है, ये काम करता है। उसके बाद में देखिए ये प्लाज्मोडियम जो है वह हमारे बॉडी में आता कैसे है, ये डायरेक्ट खुद नहीं आता है, यह एक सेल का है बना हुआ, तो खुद डायरेक्ट आके हमारे बॉडी में इंफेक्शन नहीं करेगा, तो इसको ट्रांसमिट होने के लिए यानी हमारे बॉडी में एंट्री करने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है। तो द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो यानी कि ये फीमेल मैन जो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसके गट में होगा, और जैसे ही फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगी तो वो बाइट करेगी तो क्या करेगा, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम उसके गट में है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि वो बाइट करेगी तो हमारे ब्लड से कांटेक्ट बनाएगा, और एक बार ब्लड में गया अब वो अपना साइकिल चालू करेगा और हमें मलेरिया काउज करेगा। पूरा का पूरा हमें साइकिल जो है जानना है, जो कि क्लास 12th में जानना है, अभी बस हमें बस इतना जानना है कि मलेरिया होता किसके वजह से, बस प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम एक जीनस नेम है जिसके चार इंपॉर्टेंट ऐसे स्पेसीज है जिससे मलेरिया होता है, तो वाइवेक्स, ओवेली, फाल्सीपैरम और मलेरिया, ये चारों का नाम आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा का भी बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान में रखिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन सा, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बाद में अब एक देखिए पैरामेसियम, अब ये दूसरा स्पेसीज हमारा चालू हुआ,
यह पैरामेसियम भी जो है वो एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, यानी इसके भी जो कैरेक्टर होंगे यानी जो बॉडी के फीचर्स या और सब जो फीचर्स हैं वो सब एनिमल के जैसा होगा। तो यह भी एक एनिमल के जैसा है जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया या कहिए इंट्रोड्यूस दिया इसको क्रिश्चियन हैजेंस ने। तो फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय क्रिश्चियन हैजेंस। तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे क्रिश्चियन हैजेंस ने, ठीक है। पैरामेसियम को हम लोग पैरामेसियम इज फ्री लिविंग एक्वेटिक फॉर्म में होता है। पैरामेसियम को ही हम लोग पैरामेसियम इज ऑल्सो नोन एज स्लीपर एनिमल क्यूल। पैरामेसियम को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये बात ध्यान में रखने का है आपको, स्लीपर एनिमल क्यूल जो है वो पैरामेसियम को ही कहते हैं। पैरामेसियम को कल्चर जो है वो हे इन्फेक्शन मेथड से करते हैं। ये पहले भी हम बताए थे, एक मेथड का नाम है कल्चर क्या है, जैसे बैक्टीरिया का कल्चर होता है, जैसे इग्लिने का कल्चर कर सकते, यानी अमीबा का कल्चर कर सकते हैं, उसी तरह इसका भी कल्चर कर सकते हैं। तो पैरामेसियम इन लैबोरेटरी पैरामेसियम इज कल्चर्ड बाय इन लैबोरेटरी पैरामेसियम इज कल्चर्ड बाय हे इन्फेक्शन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग पैरामेसियम का कल्चर कर लेते हैं। पैरामेसियम का जो पैरामेसियम है टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टू कंट्रोल फ्लूइड इन बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखो पैरामेसियम के अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल, जनरली हम लोग एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देख रहे थे, लेकिन इसके अंदर टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। उसी तरह पैरामेसियम में रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन ये दोनों जो होते हैं उसके बॉडी सरफेस से होते हैं, यानी उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही किसी चीज का, यानी रिस्पायरेशन करने के लिए क्या चाहिए, डिफ्यूजन ऑफ CO2 और O2। हमारे अंदर डिफ्यूजन का काम दो जगह होता है, एक लंग्स में होता है, दूसरा हमारे टिश्यू के लेवल पे होता है। ब्लड जो है वह हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू तक O2 को पहुंचाता है और हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में CO2 बनता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होता है, O2 जो है वह हमारे टिश्यू के अंदर जाएगा, टिश्यू से सेल के अंदर जाएगा, और CO2 जो है वो हमारे ब्लड में आएगा, और वही CO2 लेकर के कहां आएगा, तो लंग्स में। तो इस तरह से डिफ्यूजन हमारे बॉडी में लंग्स और ब्लड के थ्रू होता है। लेकिन यहां पर वैसा एक सिंगल सेल का है ना, इसके पास लंग्स है ना ब्लड है, तो ये डिफ्यूजन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू करेगा, तो ये डिफ्यूजन और एक्सक्रीशन जो है अपने बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा। तो रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन आर परफॉर्म्ड बाय बॉडी सरफेस।
यानी दोनों चीज जो है वो किसके थ्रू होगा, तो बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा। तो कैसे, बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, ये पहले भी आपको हमने बताया है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन का मतलब हमेशा याद रखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। पैरामेसियम का जो बॉडी है यानी जो सेल है वह एक लेयर से कवर होता है जिसका नाम है पेलिकल। पैरामेसियम बॉडी इज कवर्ड बाय इज पेलिकल। पैरामेसियम बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल। और उसके बाद देखिए, साथ ही साथ मान लीजिए कि यह एक पैरामेसियम का जो है वह एक बॉडी है और इसके बॉडी के चारों तरफ कॉन्टेक्टाइल, ठीक है, इस तरह से कॉन्टेक्टाइल लोकोमोशन करने के लिए लोकोमोटरी और ऑर्गेनाइज या सीलिया होता है। तो पैरामेसियम तो फीड ऑन ए स्मॉल पैरामेसियम यूनिसेल्युलर एल्गी या यूनिसेल्युलर प्लांट भी, ब्रैकेट में ये हम कर चुके हैं, ईस्ट और इस तरह से। और रिप्रोडक्शन आप जान रहे हैं कि ये बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब जान रहे हैं कि कोई एक सेल विभाजित के दो सेल में, कंजुगेशन और ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब कि दो अलग अलग सोर्स से मेल और फीमेल गैमेट नहीं आएगा, एक ही बॉडी जो है वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बना करके और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आसानी से वो सर्वाइव कर लेगा, ठीक। यानी वो ऑप्टिमम, जैसे हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें देखिए, पैरामेसियम हैज कप्पा लैम्डा म्यू एंड पाई पार्टिकल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन between sensitive and killer form, यानी यह पार्टिकल है जो उसके सेल के अंदर रहेगा जिसके बेसिस पर कौन सा पैरामेसियम किस केमिकल के रेस्पेक्ट में सेंसिटिव है या कौन सा जो है वह किलर फॉर्म में है, तो उसी के बेसिस पर किसी में कप्पा होगा, किसी में लैम्डा होगा या किसी में दोनों होगा, तो किसी में म्यू और लैम्डा होगा या किसी में पाई होगा। तो इस तरह से यह एक पार्टिकल है जो उसको अलग अलग मीडियम में सेंसिटिव या फिर किलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यही हुआ, इतनी सारी बातें जो है वो हमारे मैसियम पे कंप्लीट हो गई। अब हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। प्रोटिस्टा का जितने हमें जानना था हमने कुछ उससे ज्यादा ही जाना है, क्योंकि जनरली आप किसी भी मॉड्यूल को उठा करके देखेंगे तो मॉड्यूल में आपको स्लिम मोड तक लास्ट है। हमने आपको अमीबा, एंट अमीबा, पैरामेसियम और ये लिस्मैनिया वगैरह भी हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक्चुअल में ये सब अभी आगे का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इन सब चीजों को नोट डाउन करके और एमसीक्यू हुआ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देने वाला हूं उसको जो है वो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंगी के बारे में, तो फंगी क्या है उसको हम लोग अपने क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है। तो